हेलो दोस्तों, मैं सुभान अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ प्रो एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें जीके और जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्लास को आप एंड तक देखना ना भूलें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आरपीएफ आरआरबी और एनटीपीसी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप एंड तक देखना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि ये आपके लेवल के क्वेश्चंस हैं दोस्तों इसके अंदर। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? कनाडा, आयरलैंड, ब्राज़ील, अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? आयरलैंड है। कौन सा है? आयरलैंड। आपको याद रखना है दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन का आंसर कौन सा है दोस्तों? आयरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सुल्तान अजलान शाह कप, सुल्तान अजलान शाह कप 2018 जीता, तो किसने जीता था दोस्तों? भारत ने, हॉलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जर्मनी ने। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। और इस खेल का संबंध किस खेल से दोस्तों, इस कप का? तो याद रखना दोस्तों हॉकी से है। किससे? हॉकी से दोस्तों, ठीक है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कौन से देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी करेगा या की गई थी दोस्तों? इटली, चीन, जापान और जर्मनी। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? चाइना। कौन सा है? चाइना। चाइना ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिक संभव संख्या क्या है? 400, 450, 500, 545। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? 500 है। कितना है? 500। कितनी है दोस्तों? 500। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जन घनत्व है, तो भारत का जन घनत्व कितना है दोस्तों? तो याद रखना 362 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, या फिर 353 वर्ग प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, या फिर 375। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि हरी पत्तियों का पौधा रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देता है? भैया हरी पत्तियों का जो पौधा होता है वो रोशनी में हम रखते हैं तो कैसा दिखाई देगा दोस्तों? तो याद रखना ये काला दिखाई देता है दोस्तों। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की मूल आधिकारिकता के अंतर्गत का शामिल है? भारत की राष्ट्रीय अखंडता, भारतीय सिविल और अपराधी मामले, भारत संघ की भिन्न यूनिटों के बीच विवाद, आतंकवाद से संबंधित है मामले। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है सी नंबर। कौन सा है? सी नंबर, यानी भारत संघ की भिन्नता यूनिटों के बीच विवाद है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों कि मंड पानी में घुलनशील नहीं होता, फिर भी वह आलू में बड़ी मात्रा में संचित क्यों रहता है? तो मृदा सूक्ष्म जीव इसे कंद में जमा करते हैं, यह पत्तियों से शर्करा के रूप में स्थानांतरित होते हैं, यह आलू की जड़ में संश्लिष्ट रहता है, यह मनुष्य के लिए उपयोगी है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? यह पत्तियों में शर्करा के रूप में स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था? लखनऊ समझौता, पुणे समझौता, या गांधी अरविंद समझौता, लाहौर समझौता। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? लखनऊ समझौता है। कौन सा है? लखनऊ। पुणे पैक्ट तो किसके लिए हुआ था? दलितों के लिए हुआ था, महात्मा गांधी और किसके बीच में? तो अम्बेडकर के बीच में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों कि 1526 ईस्वी सन के पूर्व बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 5 बार, 4 बार, 2 बार, या इनमें से कोई नहीं। तो कितनी बार किया था दोस्तों? 4 बार। कितनी बार आक्रमण किया था? 4 बार। सीमांत राजस्व
क्या है? किसी फर्म का औसत राजस्व, बेची गई प्रत्येक यूनिट पर प्राप्त राजस्व, अंतरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व को सभी यूनिटों की बिक्री से प्राप्त राजस्व। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? सी आंसर है। क्या है? सी, अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि राजनीतिक विज्ञान किसका विज्ञान है? राजनीतिक इंजीनियरिंग, सांस्कृतिक इंजीनियरिंग या सामाजिक इंजीनियरिंग, आर्थिक इंजीनियरिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? सामाजिक इंजीनियरिंग। कौन सा है? सामाजिक इंजीनियरिंग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से, या फिर आयरिश के संविधान से यानी आयरलैंड, या फिर अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। तो इसका सही आंसर है फ्रांस के संविधान से दोस्तों। किसके संविधान से? फ्रांस के संविधान से। ये क्वेश्चन कल के एग्जाम सीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था दोस्तों। तो देखो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महाअधिवक्ता, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या जनरल अटॉर्नी, अटॉर्नी जनरल। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि U-235 श्रृंखला की किस संख्या से संबंधित है? एक्टिनियम श्रृंखला, थोरियम श्रृंखला, यूरेनियम श्रृंखला और नेपच्यूरिंग श्रृंखला। तो इसका सही आंसर है एक्टिनियम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान की राज्य की नीति निदेश तत्व सिद्धांत का विचार किसके संविधान से ग्रहित किया गया? आयरलैंड, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? आयरलैंड है दोस्तों। क्या है? आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मांग वक्र किसके अधीन अनियत होता है? तो शुद्ध प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, द्विअधिकार या अल्पाधिकार। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? अल्पाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत है? अवशोषण का सिद्धांत केशिका क्रिया, सघनन या चूषण क्रिया। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? केशिका या कोशिका क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि प्रक्षेपण किसे शोधित करता है? मानव विचलन का मान, केंद्रीय माप के आसपास डाटा का प्रसार, या मोड़ का मान, मध्य का मान। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? ए नंबर, मानव विचलन का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किसने शुरू की थी? गुप्त, सल्तनत सुल्तान, या मुगल, या फिर कुषाण। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? सल्तनत सुल्तान। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। धन्यवाद।